ये मेरी जन्मभूमि है और अब तुम्हारी मरण भूमि होने वाली है। एक भूल मैं दो बार नहीं करती। पिछली बार अतिथि समझकर क्षमा कर दिया था, पर अब नहीं। कारोबारी और शिकारी एक बार धोखा खा के दोबारा गलती नहीं करते शहजादी हुजूर। गलत जगह सौदा कर बैठा था मैं पिछली बार, पर साझेदार इस बार ठीक चुना है। चेष्ट, आपने इस विदेशी के साथ हाथ मिलाया? हाथ मिलाया? किसी के पांव तले तक्षशिला का सम्मान नहीं को चलवाया। तक्षशिला ने अपमान के लिए पौरव राष्ट्र को नत भेंट की और मैंने तक्षशिला के सम्मान की नत उतार दी। अपने भाई के शत्रु से विवाह किया तुमने, मैं मान रहा, चला आया, पर तक्षशिला का उपहास मैं नहीं भूल सकता हूं। परंतु ज्येष्ठ, पौरव राज ने अपनी भूल स्वीकार भी तो की, मुझे महारानी घोषित किया, आपसे संधि की और तुमने उसे फिर से अपना लिया और उसका मैला रक्त अपनी कोख में लेकर यहां उत्सव मनाने आई हो। एक स्त्री की लज्जा भंग करके अपराधी उसे पत्नी स्वीकार कर ले और स्त्री उसे क्षमा कर दे, ये हमारे यहां की परंपरा नहीं है अनुसुईया। हमारे यहां प्राण से अधिक सम्मान को महत्व दिया जाता रहा है। गर्व होता मुझे, गर्व होता यदि उसी क्षण तुम बमनी का सर धड़ से अलग कर देती, परंतु सुहाग की चूड़ियां पहनने के बाद तुम्हारे हाथों में तलवार उठाने की क्षमता नहीं रही। पर मैं अभी जीवित हूं, नपुंसक नहीं मैं, और इसीलिए संधि प्रस्ताव स्वीकार किया मैंने। प्रतिशोध लूंगा मैं उस बमनी से, उसके भाई शिवदत्त से और तुम्हारी कोख में पल रहे बमनी के इस बीज से। ये आपकी बहन की संतान है ज्येष्ठ। बमनी का सपोला है ये, तुम्हारा पति बमनी और उसका ये सपोला कल का सूर्यास्त नहीं देखेंगे। तुम्हें स्वयं को पवित्र करना है, अपनी मातृभूमि के अपमान का प्रतिकार लेना है हमें। बस।
जिस संतान को आप मार डालने की बात कर रहे हैं ना, उसमें आधा रक्त भरंत वंश का भी है। वस्त्र यदि मैला हो जाए तो उसे धोया जा सकता है अनुसुया, परंतु यदि रक्त कलंकित हो जाए तो उसे बहा देना ही श्रेष्ठ है। नहीं, मैं आपको ये कभी नहीं करने दूंगी। क्षमा करना अनुसुया, परंतु मेरे लिए मातृभूमि का सम्मान मेरी बहन के सौभाग्य से भी बड़ा है। तो ठीक है, तो अपनी बहन से प्रतिकार लीजिए ना। ना मैं ये विवाह करती, ना ये सब कुछ होता। कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, तो प्रतिशोध भी मुझसे लीजिए ना ज्येष्ठ, अपनी बहन से। मार डालिए मुझे, हत्या कर दीजिए मेरी, परंतु मेरे पति और मेरे बच्चे को अभिदान दे दीजिए ज्येष्ठ। मैंने आपकी आंखों में ये अपमान के आंसू दिए हैं ना, तो इसे मेरे रक्त से धो लीजिए ज्येष्ठ। परंतु मेरे बच्चे और मेरे पति को छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं सब करने को सज्जी हूं ज्येष्ठ। बस आप मेरे बच्चे और पति को छोड़ दीजिए। जो वचन दे रही हो उसका अर्थ जानती हो? हाँ, और मैं पूर्ण करने को सच्ची हूं। तो ठीक है, जब बमनी ने तक्षशिला का अपमान किया था उसका निमित्त तुम बनी। अब कल तुम स्वयं अपने हाथों से बमनी का ऐसा अपमान करोगी कि पौरव राष्ट्र उसे भूल न सके।
इतनी दूर क्यों खड़े हैं हुजूर? ये पौरव मुल्क नहीं है, हम यहाँ मेहमान हैं। घर दुश्मन का हो या दोस्त का, जहां आग लगी होती है वहां से दूर खड़े रहने में ही समझदारी है। मोशस, चिंगारी नहीं लगती और हाथ भी सिक जाता है। आज जो यहां होने वाला है उसका दीदार करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। आज फिर से यहां दो मुर्गों में जंग होगी, तक्षशिला और पौरव राष्ट्र। और यहां खड़े रहकर हम एक की बांग का मजा लेंगे और दूसरे की टांग का जायका। और अगर पिछली बार की तरह अनुसुईया ने इस बार भी कोई खेल खेला तो? तो ना तो बांग सुनने लायक रहेंगे, ना टांग चखने लायक। प्रणिपाचार्य, ओ भाग्य हमारे कि आपको हमारा स्मरण तो हुआ, अन्यथा लग रहा था आप अपने भाई के घर आकर आप तो हमें भूल ही गई। नहीं आर्य, वो जिसने हमारा जीवन सज्जा किया है वही आज उत्सव के लिए हमें सज्ज करेंगे। एकांत, हमारे केश बांधो अनुसुईया, नहीं आ रहे, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों, बात क्या है? मुझे आपसे कुछ कहना है आ रहे। बोलो अनुसुईया। आर्य, पौरवराज, आप अब तक सज नहीं हुए, अनुष्ठान का मुहूर्त बीता जा रहा है। पहले सेवकों ने हम पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रखा हुआ था, कुछ क्षण मिले तो तक्षशिला नरेश स्वयं आ गए। पौरवराज, पत्नी आपकी, ससुराल भी आपका, और अवसर भी मिलेगा, बस यह अनुष्ठान शीघ्र पूर्ण हो जाए। पूरा तक्षशिला आपकी प्रतीक्षा में है। क्यों अनुसुईया, तक्षशिला की प्रतीक्षा समाप्त की जाए? जी जी ज्येष्ठ। पौरवराज, अपनी बहन को एक सूचना देनी है, यदि आप अनुमति दें। अवश्य, आओ अनुसुईया। बमनी को सावधान करने का प्रयास भी तुम हर समय मेरी दृष्टि में हो।
कहीं ऐसा ना हो कि मैं हमारा सौदा भंग कर दूं। एक फूल और इस पमनी के साथ तुम्हारी संतान भी समाप्त। क्यों, सूचना शुभ है ना? शीघ्र आइए, विधि आप दोनों को ही संपन्न करनी है। क्या हुआ अनुसूया, चिंतित हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आ रही। तो ठीक है, अनुष्ठान के लिए विलंब हो रहा है, हमारे केश बांध दो। आर्य, आप मुझ पर विश्वास तो करते हैं ना? स्वयं से भी अधिक। तुमने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता अनुसूया। शत्रुता की जो धरा सहस्त्रों का लहू पीकर भी अपनी प्यास न बुझा पाई, तुमने उस पर मित्रता और विश्वास का अंकुर रोपा। सबको अनुभव कराया कि एक एक उंगली बनकर रहना जीवन नहीं, मुट्ठी बनकर रहना आवश्यक है, एक देश बनना आवश्यक है, एक महान राष्ट्र बनना आवश्यक है। और हमारे आनंद में एक आनंद और बढ़ जाएगा। जब कल हमारा पुत्र पुरुषोत्तम जन्म लेगा, पुरुषोत्तम अपने अंत तक तुम्हारे साथ रहे, इससे अधिक हमारी कोई कामना नहीं। मरते समय भी हम तुम्ही को देखना चाहते हैं। जिस पति ने तक्षशिला के सीने में अपमान के विष से भरी कटार भोंकी, उसे विष से भरी कटार से मारकर तक्षशिला के अपमान का प्रतिशोध लिया।